हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। यह एक्ने सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पिंपल्स से रिलेटेड जो भी कॉमन भ्रम है, बिलीव्स हैं, उनमें से कुछ फॉल्स भी हैं, ट्रू भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे और साथ में जो फैक्ट्स हैं उनके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उसको भी हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले ये कहा जाता है कि पिंपल्स टीनेज की प्रॉब्लम है, केवल टीनेज में होती है और कई बार पेशेंट को उसके फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स ये कहकर इलाज लेने से मना कर देते हैं कि ये तो इस उम्र में होती ही है, इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी, सबको होती है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो टीनेज वाला जो ग्रुप है, यानी 12-15 से लेकर के जो पिंपल्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पिंपल्स कॉमनली उस एज ग्रुप का प्रॉब्लम है, लेकिन पिंपल्स एडल्ट में भी हो सकता है। उसका जो स्टार्टिंग है, ऑनसेट है, वो लेट एज पे जाके भी, यानी 25 के बाद, 30 के बाद, 35 पे भी स्टार्ट हो सकता है। 85% ऑफ केसेस में ये टीनेज या एडोलेसेंट केसेस में, एज ग्रुप में होता है, लेकिन 15% पेशेंट्स में ये लेट भी हो सकता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हार्मोनल एक्ने वो सब लेट ऑनसेट एक्ने होते हैं, लेट एज पर होने वाले एक्ने होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीनेज का प्रॉब्लम है, केवल टीनेज में होके ही रह जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्ट होने के बाद ये 30, 35, 40 तक ख़त्म ही नहीं होता है। तो आप इसको नेग्लेक्ट ना करें और इसका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इलाज करवाएं। अब सेकेंड मिथ जो सबसे कॉमन है वो है डाइट से रिलेटेड। ये भी बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि खाने में क्या बंद करना है या खाने में क्या खाएं जिस पे पिंपल्स का पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रीजी डाइट, ऑयली डाइट, स्पाइसी डाइट, अचार, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आते हैं कि ये चीज़ें पिंपल्स को ख़राब करती हैं। जो फैक्ट है वो ये है कि पिंपल्स और डाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, बहुत अच्छे साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं हैं, लेकिन कुछ डाइट्स जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो डाइट्स होती हैं, जो जिनको खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तेज़ी से इंक्रीज होता है, वो डाइट्स पिंपल्स को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर पिंपल्स हो रखे हों तो उनको ख़राब कर सकती है, उनका स्टार्टिंग कर सकती है पिंपल्स का। उन डाइट्स में आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क वाले प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इसके अलावा और किसी डाइट से कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं है। जैसा बिलीफ है कि ये डाइट्स एक्ने करती हैं, वैसा कोई एविडेंसेस नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप एक्सेस में ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, तो कुछ स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर बहुत एक्सेस में आपने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है कंटिन्यूसली, तो वो आपके बॉडी वेट को अफेक्ट कर सकती हैं, बॉडी वेट यानी ओबेसिटी, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्टली वो पिंपल्स पे अफेक्ट कर सकता है, बट डायरेक्टली इनका पिंपल्स से कोई लिंक नहीं है। तो वैसे दोस्तों, जो डाइट और एक्ने का कोरिलेशन है वो एक खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं डाइट्स के बारे में पिंपल्स में, तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब तीसरा जो कॉमन मिथ है वो है चेहरा धोने से संबंधित। ये पूछा जाता है पेरेंट्स के थ्रू कि ये चेहरा ठीक से नहीं धोता है या चेहरा गंदा रखता है या क्लीन नहीं करता है प्रॉपरली, इसकी वजह से शायद पिंपल्स हो रहे हैं। या पेशेंट भी कई बार पूछता है कि किससे चेहरा धोना है, कितनी बार चेहरा धोना है। तो एक्सेस फेस वॉश, बहुत ज़्यादा चेहरा धोने से भी पिंपल्स ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि चेहरा बार बार धोने से पिंपल्स पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ये मिथ है। ज़्यादा चेहरा धोने से फेस पर एक ड्राइनेस आती है, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन यानी चेहरे पे स्किन पपड़ी के रूप में उतर सकती है, वो कॉमेडोन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकता है। फेस पे स्किन में इन्फ्लामेशन है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, ऑलरेडी जो पिंपल्स बने हुए हैं उनको और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो ज़्यादा चेहरा धोने से पिंपल्स में बेनिफिट नहीं होता है, यह एक मिथ है। और ज़्यादा फैक्ट में आप दिन में एक बार या दो बार नॉर्मल क्लींजर से या डॉक्टर ने जो फेस वॉश आपको बता रखा है आपके स्किन के हिसाब से, उससे ही चेहरा धोएं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक फेस वॉश ना करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट मिथ ये है
कई लोग ये मानते हैं कि पिंपल को फिंगर से पिक करने से या उसको दबाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एक मिथ है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। ऐसा करने से, फिंगर से उसको दबाने से या पिक करने से, वो जो पिंपल वाली जगह है वहाँ की स्किन में इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जब पिंपल ठीक होगा उस टाइम वो बहुत गहरा स्पॉट छोड़ देता है, जिसको ठीक होने में उस नॉर्मल पिंपल जो सेटल होके स्पॉट बना रहा है उसकी तुलना में इस फिंगर से दबाए हुए पिंपल के स्पॉट को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप ऐसा ना करें। पिंपल को दवाई अगर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जैसे वो नेचुरली रिजॉल्व हो रहा है उसको वैसे ही रिजॉल्व होने दें, आप उसको खुद से फिंगर से पिक ना करें। एक जो पॉइंट है वो जो हमेशा हम पेशेंट को समझाते हैं और कई बार पेशेंट की तरफ से भी मेडिकल हिस्ट्री में वो पॉइंट निकल कर आता है कि स्ट्रेस और पिंपल्स का क्या रिलेशन है। यस, दिस इज फैक्ट कि स्ट्रेस पिंपल्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। एग्ज़ाम के टाइम पर या और कोई स्ट्रेसफुल इवेंट रहा है उस टाइम पर पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। कई स्टडीज हैं इसके बारे में और ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जो इलाज में भी बेनिफिट करता है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो पिंपल्स के इलाज में भी वो बेनिफिशियल होता है। जो अगला मिथ है वो रिलेटेड है सेक्सुअल एक्टिविटी से। कई लोग इसको कोरिलेट करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के कम और ज़्यादा होने से, कई लोग इसको कोरिलेट करते हैं मेल में मास्टरबेशन से, और कई बार फीमेल में ये माना जाता है कि शादी के बाद पिंपल्स कम हो जाते हैं। तो यह कम्प्लीटली एक मिथ है। पिंपल्स का सेक्सुअल एक्टिविटी से, मैरिज से और मास्टरबेशन से कोई कोरिलेशन नहीं है। फीमेल में शादी के बाद पिंपल्स कम होने के रीज़न में कहीं ना कहीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का रोल हो सकता है, और बाकी मेल में इस तरह का कोई इफेक्ट पिंपल्स पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट मिथ इज अबाउट डर्ट एंड इन्फेक्शन। फेस पे डस्ट, हाइजीन और इनका पिंपल्स से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेस पे गंदगी होने से पिंपल्स बनते हैं। पिंपल्स का अपना एक रीज़न होता है, हार्मोन इन्फ्लुएंस का, और उसका डस्ट से और इनसे कोई रिलेशन नहीं होता। इसमें पिंपल्स को कई बार एक इन्फेक्शन मान लिया जाता है कि गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी गलत है। पिंपल्स हार्मोन्स की वजह से होने वाली हेयर फोलिकल और सीबेसियस ग्लैंड की प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन वाली कैटेगरी में नहीं आती है। जो अगला मिथ है वो रिलेटेड है हेयर और हेयर प्रोडक्ट से, हेयर शैम्पू से, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड वॉश से। लोग इसको पिंपल्स से कोरिलेट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर स्टाइल से या हेयर शैम्पू से, हेड वॉश की फ्रीक्वेंसी से पिंपल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ साइंटिफिकली एक जो पॉइंट है कि आप एक्सेस हेयर ऑयल और स्किन और हेयर में अगर आप बहुत स्टिकी ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो फोरहेड पर कॉमेडोन्स और पिंपल्स फॉर्म हो सकते हैं, जिनको पोमाड एक्ने बोलते हैं। वो भी पर्टिकुलर कुछ स्टिकी ऑयल एप्लीकेशन की वजह से ही बनते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है कि कॉस्मेटिक्स पिंपल्स बनाते हैं। हाँ, ये एक सही बात है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं, आज से कुछ सालों पहले तक अगर देखें तो जो कॉस्मेटिक्स थे उनमें जो पोर को ब्लॉक करने की टेंडेंसी होती थी, इसकी वजह से पिंपल्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। लेकिन आजकल कॉस्मेटिक्स में नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, सब तरह की प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें जेल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप स्टिकी मेकअप या फाउंडेशन या कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो वो पिंपल्स को ख़राब कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या स्वेटिंग या ह्यूमिड एनवायरनमेंट पिंपल्स को अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों की जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है या जो फ्रीक्वेंटली रेगुलरली जिम गोइंग पर्सन होते हैं वो पूछते हैं क्या एग्जर्शन के बाद, वर्कआउट के बाद जो पसीना आता है वो पिंपल्स को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। स्वेटिंग और उस एग्जर्शन और वर्कआउट के टाइम पे अगर कोई मैकेनिकल या फ्रिक्शनल फोर्स काम किया है फेस पर या स्किन पर, वो पिंपल्स को अफेक्ट कर सकता है, पिंपल्स को ख़राब कर सकता है। एक जो मिसबिलीफ है वो इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इसमें एक तो ये माना जाता है कि पिंपल एक इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक इसका क्योर है।
तो ये एक मिथ है, पेशेंट हमारे पास आकर बोलता है कि मैंने ये एंटीबायोटिक ले लिया, ये इतनी बार खा लिया, इसको जब मैं खाता हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। तो ये सब एक मिथ है। पिंपल ना तो एक इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है, ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। दूसरा, एंटीबायोटिक पिंपल्स का क्योर नहीं होता, वो उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है, वो भी पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक्स उसके इलाज में काम आते हैं, लेकिन वो उसकी क्योर नहीं है। और ऐसे फ्रिक्वेंटली आधा अधूरा एंटीबायोटिक लेने से और बीच में छोड़ने से पिंपल्स ठीक नहीं होता है, उससे उल्टा उस एंटीबायोटिक के लिए आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप होता है। तो इस तरह से फ्रिक्वेंटली दुकान पर जाकर के एंटीबायोटिक आप ना लें। और लास्ट में एक कॉमन मिथ कि एक्सेस वाटर इनटेक कैन रिड्यूस पिंपल्स, तो ये एक मिथ है। ये बात सही है कि आप अगर एडिक्वेट वाटर इंटेक रखते हैं तो आपका स्किन हाइड्रेट रहता है, आपका स्किन हेल्दी रहता है, ग्लोइंग रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पियोगे तो उससे पिंपल्स ठीक हो जाएगा। आप अपने बॉडी के सिस्टम के लिए, स्किन के लिए, अच्छे हाइड्रेशन के लिए वाटर इंटेक एडिक्वेट रखिए, लेकिन ये विल बिलीव करना कि बहुत एक्सेस में वाटर पीने से पिंपल वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ये गलत है। तो ये थी पिंपल से रिलेटेड कॉमन मिथ्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समराइज कर देता हूँ कि पिंपल्स जो हैं वो टीनेज से लेकर के 40 ईयर्स की एज तक कभी भी हो सकते हैं। ये एक्सेस फेस वॉश से या फिंगर से पिक करने से ख़राब होते हैं। हाई ग्लाइसेमिक डाइट अवॉइड करें पिंपल्स जब हो रहे हों या पिंपल्स का इलाज ले रहे हों उस टाइम पर। आप अपने कॉस्मेटिक्स में वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, नॉन कॉमेडोजेनिक कॉस्मेटिक्स को प्रायोरिटी दें। हेयर ऑयल एप्लीकेशन में एक्सेस हेयर ऑयल एप्लीकेशन अवॉइड करें या स्टिकी ऑयल यूज ना करें, जैसे मस्टर्ड ऑयल। अपनी लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस को मैनेज्ड रखें, स्ट्रेस और स्वेटिंग से पिंपल्स खराब होते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन से बचें, एंटीबायोटिक्स को ऑन एंड ऑफ यूज ना करें। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के जरिए पिंपल्स रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और कुछ मिथ आपके पिंपल्स के बारे में क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो हमारा होगा वो पिंपल्स के ट्रीटमेंट के बारे में होगा। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है पिंपल्स का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं ये वीडियो हमें कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।